करूंगी आप सभी ठीक होंगे। और माला की दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ ऑफ शोल्डर जो बार डॉट जो डिजाइन है, ये टॉप बनता है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये जो है ट्रेंडिंग में हमेशा रहता है और मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम तक जो है ना ये ट्रेंडिंग में रहने वाली है। तो इसलिए मैं आज आप सभी के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है मैं बताने जा रही हूँ ऑफ शोल्डर किस तरह से हम बनाते हैं ऑफ शोल्डर ड्रेस। तो ये चार पदर जो है हमने कपड़ा ले लिया है इस तरह से देखिए, और यहाँ से मैंने 17.5 इंच लिया है, यहाँ से 17.5 है, फिर यहाँ से भी 17.5 है, और यहाँ से हम 27 इंच ले लिया है। और ये चार पदर है, फिर बहुत आसान है इसे कटिंग करना और सिलाना भी। तो मैं यहाँ से 3 इंच ये ले लिया है 3 इंच, और यहाँ से मैं देखिए 5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से हमें कर लेना है। आप चौकोन का बॉक्स जैसा तैयार कर सकते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से आप मुंडे का शेप दे सकते हैं। ये हो गया और इसे हमें कटिंग कर लेना है। बहुत आसान है कटिंग करना, और मैं जो बना रही हूँ तो 10 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। और इस तरह से ये जो है होगा, इस तरह से ये होता है। तो मैंने यहाँ से आप देखिए ये जो है मैं ज्यादा जो है 5 इंच एक्स्ट्रा इसमें रखी हूँ ये शोल्डर के लिए, ये जो हमारा बाजू होता है इसके लिए। और यहाँ पे इसे हम 8 इंच लिए हुए हैं 8 इंच, और ये पूरा जो लंबाई है पूरा लंबाई इसका 32 इंच है, 32 इंच है इसका लंबाई, और चौड़ाई हमने 8 इंच लिया है। और अब हम मशीन पे आप सभी को दिखाती हूँ का जो है एक पतला सा जो मैं इसमें कमर के पास ये करूँगी वो प्लास्टिक, और ये चौड़ा वाला जो मैं चौड़ा नहीं ली हूँ क्योंकि बच्चे को जो है ना रुकता है आने, तो इसलिए मैं ये वाला ली हूँ। बस चौड़ा वाला भी है मेरे पास तो ये हमने लिया हुआ है। तो चलिए सिलाई मशीन पे मिलती हूँ। तो जब तक मैं सेटिंग कर रही हूँ तब तक आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मुंडा जो है इस तरह से, तो यहाँ पे कपड़ा भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं लेकिन इस तरह से भी हम कर सकते हैं क्योंकि इजली आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं थंबनेल में क्यों इस तरह का रखी हूँ कि आप सभी देखते हैं बाहर देश का वीडियो और म्यूजिक सेट रहता है उसमें आप सभी को समझ में नहीं आता है कि सेंटीमीटर से कट करते वो भी समझ में नहीं आते, तो इसलिए मैं इंच से बताती हूँ और इंच से ही आप सभी को सिखाई हूँ और कटिंग करना भी बताई हूँ कि कितना क्या रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो है उल्टा सीधा हमें इस तरह से कर लेना है। ये मुंडा हमारा जब ये करके हो जाता है तो इस तरह से बराबर करने के बाद जो है ये करना है, चटका लगा देना है, उसके बाद जो है ना ये जोड़ने में आसानी रहेगा ये जो हम एक्स्ट्रा फ्रिल के लिए जो हम कटिंग किए हैं। तो इस तरह से, और फिर इसे आप सिलाई कर लीजिए। अब पिन से भी आप कर सकते हैं, जो टच वाला पिन होता है उससे भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और मुझे लेकिन आप सभी बिगनर है तो आप सभी एक बार वो जो पिन आते हैं ना वो पिन से आप टक करके और फिर काम कीजिए। तो ये जो है ये देखिए हो गया है ये करके, तो फिर मैं यहाँ का जो है नीचे तरफ जो आएगा फ्रिल का उसको हम इस तरह से
दाब सिलाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो खुला रहेगा आप यहाँ पे पिको भी कर सकते हैं, पिको नहीं है तो आप इस तरह से दाब टिप भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया दाब टिप, और आगे आप सभी को बताऊंगी कि पूरा आप सभी को किस तरह से जोड़ना है। दाब टिप लगा के हो जाता है, तो यहाँ पे जो है आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ। ये देखिए, ये जो है सीधा टिप मैं लगा रही हूँ, ये देखिए चौक से मारी करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जो जो हमारा कपड़ा है, ये देखिए यहाँ से मैं लिया है 11 इंच, जो मैं बीच में जो लास्टिक लगाऊंगी, और मैं पूरे को नाप के और पूरा चौक से मारी कर लिए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पतली सी ये लगा रही हूँ लास्टिक, और इस तरह से आपको खींच देना है लास्टिक को, नहीं तो नॉर्मल नहीं छोड़ना है ये, नहीं तो रिंकल नहीं बनेगा। तो इस तरह से खींचना है, और कपड़े को भी आप आगे पीछे भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन लास्टिक को आपको खींच के ये करना है। तो ये देखिए कितना इजीली हो गया है, और इस तरह से देखिए इतना इस तरह से रिंकल ये बन रहा है। तो कमर में तो लास्टिक लगा के हो गया, तो अब जो है शोल्डर में लास्टिक लगाऊंगी। तो पहले सबसे पहले इसको बराबर जहाँ पे हम छटका लगाए हैं तो उसको मिला लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो जॉइंट करना है शोल्डर के पास, जो बाजू बनता है बनेगा हमारा, तो वो बाजू के पास यहाँ पे हमें जॉइंट कर लेना है दोनों को। और जॉइंट करने के बाद दोनों तरफ का जो है जॉइंट कर लेना है, और फिर उसके बाद जो है लास्टिक जॉइंट करेंगे हम, इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और आप सभी को कोई भी मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आप सभी को बताने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने देखिए पूरा 17 इंच का ये ले लिया है लंबाई, लूजी 17 इंच लिया है। आप अपने बेबी का शोल्डर भी नाप सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप अपने अनुभव से करना चाहेंगे, और इसलिए आप जो भी कपड़ा बनाते हैं तो अपने बेबी का जिसका भी तो शोल्डर वगैरह का जो है ना ये करके बनाइए, और उससे क्या होगा आप इजीली बना सकते हैं, और आपके अंदर जो है ना खुशी भी मिलेगी कि परफेक्ट जो है ना बन जाता है ना, तो खुशी मिलती है, इसलिए भी मैं आप सभी को बोली। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है लास्टिक लगा के हो गया है, तो अब जो है मैं इसको पलट दूँगी। पलटने के बाद जो है इसका जो जिस तरह से हम खींच के ही लास्टिक लगाए हुए हैं ना, तो उसी तरह से आपको खींचना भी है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ा छोटा छोटा रिंकल बन रहा है ना, तो आप कितना भी इसको इस बार जब खींचेंगे फोल्डिंग करने टाइम, तो आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा इस तरह से दिखेगा आगे तरफ, तो इसको अपने हाथ से फिंगर से बैठा लेना है। आप अपने फिंगर से इस तरह से बैठाते जाना है, और देखना है कि कंप्लीट अच्छे से बन रहा है कि नहीं, तो बहुत अच्छे से बन गया है। और फिर यहाँ पे जो है मैं फिटिंग कर रही हूँ, तो आप भी जितना आपकी बेबी को बैठता है लूजिंग होता है उतना आप फिटिंग कर सकते हैं परफेक्टली। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम फिटिंग करने के बाद दोनों तरफ आप सभी को दिखा रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे मैं देखिए और शोल्डर को बराबर इस तरह से देखना है और परफेक्टली पकड़ना है। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम इसको फिटिंग कर रहे हैं, और फिटिंग आप अच्छे से कर देते हैं तो परफेक्टली हो जाता है। और रिंकल वगैरह इस फ्रॉक में जो है ना थोड़ा सा रिंकल तो बनता ही है, पर इतना भी नहीं करना है लूजिंग। तो ये देखिए परफेक्ट हमारा जो है फिटिंग भी हो गया है। अब जो है मैं इसको इस तरफ भी नीचे तरफ भी दाब टिप ही बनाऊँगी, और यहाँ पे जो मैं फ्रिल बनाई हूँ तो फ्रिल में मैं लेस लगाने की सोच रही हूँ। तो मेरे पास तो ब्लैक वगैरह जो लेस होता है ना नीचे तरफ ऐसा ये होता है, उस टाइप नहीं है, दूसरा लेस है। फिर यहाँ पे मैं लेस लगाने से पहले आप सभी को बता दे रही हूँ कि हम पट्टी जोड़ेंगे तो वो कितने इंच पे जोड़ना है। तो 2.5 इंच हमें शोल्डर के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद 3 इंच का हम पट्टी जोड़ेंगे। इस तरह से आपको दिखाई हो,
तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है 2.5 इंच का ये, और उसके बाद मैं इस तरह से पट्टी के लिए जैसा हम पाइपिंग तैयार करते हैं ना उसी टाइप करना है, लेकिन ये जो पाइपिंग का कैसा होता है चौड़ा होता है, इस पतला होता है सॉरी, और इसका चौड़ा होता है, तो इस तरह से कर लेना है। और ये इजीली निकल जाता है, आप रस्सी वगैरह से सुई वगैरह से निकाल के करते हैं ना पाइपिंग, तो ये वैसा नहीं है, ये इस तरह से आप कोई भी नया पीछे ये स्क्रू से किसी से भी आप कर सकते हैं, उंगली से भी आप इस तरह से कर सकते थे। तो इस तरह से हमने इजीली निकाल लिया है, और आप सभी को कोशिश करती हूँ बताने की कि अच्छे तरह से आप सभी को समझ आए और आप सभी काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं तो 4 इंच 4 इंच का लिया था, तो 8 इंच पूरा लिए हुए थे, तो मैं यहाँ पे देखिए 3 इंच पे कर रही हूँ। 3 इंच पे मैंने इसे चौक से मारिक कर लिया है, और उसके बाद जो शोल्डर में भी हमने 2.5 इंच पे 2.5 इंच पे मारिक किए हुए हैं, क्योंकि इजली लग जाए, क्योंकि इधर उधर ना हो, तो आप भी चौक से पहले नाप के और मारिक कर ले, और उसके बाद ही आप इस तरह से टक करें। और उससे क्या होता है फ़ायदा फ्रेंड्स, कि हमारा जो भी काम रहता है ना सही तरह से हो जाता है टक करने के, ये मारिक करने के बाद, तो इसी तरह से करेंगे तो हमारा गलत नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं इस बेल्ट को मैं लगा दे रही हूँ इस तरह से, और फिर आप सभी के साथ जो है ना आगे दिखाती हूँ। और ये वीडियो आप सभी फुल वॉच किए हैं, तो आप सभी को थैंक यू सो मच, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के लिए कितना यूजफुल रहा। आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू अपलोड करूं वीडियो सिलाई का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप सभी कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें भी खुशी मिलती है, और आप सभी का कमेंट का भी हम रिप्लाई करते हैं। जो भी आप सभी कमेंट करते हैं ना, तो उसका जो भी आंसर होता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी को नहीं पता है कि मैं आप सभी को कमेंट का रिप्लाई कहाँ दे रही कोई नहीं, तो आप YouTube का जो है ऐसा बेल जैसा बना हुआ रहता है, वहाँ पे मैसेज गिरता है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और फिर यहाँ पे जो है मैं इस फ्रिल में लेस लगा रही हूँ, तो मेरे पास इस तरह का लेस है, तो मैं ये वाला लेस लगा रही हूँ, और आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई इतना ये नहीं है कि लेस लगाना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा लुक जो है अलग दिखता है, इसलिए लगा रही हूँ। तो ये सब लगाने के बाद आप सभी को दिखाती हूँ, मेरी बेटी का ये ड्रेस है, और मैं आप सभी को पहना के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए गुंजन जो है पहन लिया है, और ये जो है इसको बहुत ही पसंद आया है ये ड्रेस। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।